नमस्कार, सरल भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का बयान पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड होगा। राहुल से पूछताछ में ईडी के 3 अफसर शामिल है। राहुल गांधी से जवाब देने से पहले शपथ ली गई है कि वे सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सच सच देंगे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। एक अफसर राहुल गांधी के जवाबों को टाइप करेंगे, वहीं तीसरा डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अफसर कार्रवाई का निगरानी करेगा। राहुल गांधी से पूछे जा रहे सवालों के लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं, उसमें कौन कौन से सवाल शामिल है इसकी बात करते हैं। आपके एजीएल में क्या पोजिशन थी, आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका है, आपके नाम पर शेयर क्यों है, क्या आपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कभी मीटिंग की, अगर नहीं तो क्यों, कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित क्यों करना चाहती थी, क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन की जानकारी दे सकते हैं, क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी को 2 जून को पेश होना था, लेकिन वे विदेश में थे, ऐसे में उस वक्त पूछताछ में शामिल नहीं हो सके थे। अब वे सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे। उधर सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने की वजह से अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई है। अब उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधर राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस ने सत्याग्रह बुलाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में देश भर से आए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। कांग्रेस नेता लगातार झुकेगा नहीं और सत्य में जयते जैसे नारे लगा रहे हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहे सरल भारत न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।